नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल खरे। आप क्या करते हैं औरंगाबाद में? खेती करता हूँ। आप किसान हैं? हाँ किसान। क्या बात है यार, ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब देश के अन्नदाता किसान है हमारे। Absolutely. आपने म्यूजिक में दिलचस्पी कैसे बनाई और प्रैक्टिस कैसे करते हो, रियाज कैसे करते हो, कहाँ से सीखा है? दो चीजें मेरे दिल के बहुत करीब है, एक तो खेती करना और दूसरा संगीत। चाहे कड़ी धूप हो या बारिश हो या ठंड हो, लेकिन मेरा गाना कभी बंद नहीं होता। और शाम को जब घर आता हूँ तो घर आने के बाद हमारे गांव में भजन होता है, वहीं पे भी गाना गाता हूँ। मेरे घर में मेरी माँ इतनी मुझे सपोर्ट नहीं करती, लेकिन मेरे पिताजी मुझे सपोर्ट करते। उसको लगता है कि संगीत हमारे घर के लिए शापित है। दरअसल बात ऐसी है कि मेरे जो दादाजी थे वो भजन संगीत करते थे। जब वो भजन करने के लिए हमारे नजदीक के गांव जाते थे, कहीं दूर चले जाते थे, तो 15-15, 20-20 दिन उधर ही रहते थे। इसकी वजह से हमारे खेती के ऊपर, घर के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। तो इसके वजह से हमारी जो खेती है वो गिरवी रखनी पड़ी। जो बैल गाय वो भी चला गया। वो जो दौर है वो माँ ने देखा है, तो उसको लगता है कि वो दादाजी ने जैसे किया वैसे ही ये करेगा, ऐसे उसका मन में डर है, तो उसकी वजह से वो म्यूजिक के लिए शाप मानती है। शेती सारी गांड टाकली म्हणून मला संगीत आवडत नाही, त्याच्यामुळे आमच्या घरावर फार मोठं संकट आलं, त्याच्यामुळे संगीत हे शाप वाटतं। मेरे आयडल के मन से यही उम्मीद है, जो मेरे आई की जो सोच है म्यूजिक के प्रति, मेरे प्रति, वो मैं इस मन से बदलना चाहता हूँ। आज आप यहाँ पे हमारे लिए भजन गाएंगे या कोई मतलब लोक संगीत या फिल्मी गाना? एक मराठी गाना है। अच्छा, वो मैं गाने का प्रयास करता हूँ। ओके, लग तो बहुत अच्छे रहे हो और इतनी दूर भी आए हो, तो हमारी मतलब दिल से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सर। चलिए गाइए। हे उसवला गाना बहुत सारा आधार कुणाचं नाही, भ्यगाळल्या भुई परी जीना अंगार जीवाला जळी, बळ दे झुंजायला किरपेची ढाल दे, इनविती पंच प्राण जीवरत ताल दे, कर पल रान देवा जळाला शिवार तरी नाही धीर सांडला, खेळ मांडला मांडला मांडला, खेळ मांडला पाय ऋषी कुणी सान थोर नाही, साध सुन्या काळ जाची तुझ्या कानी जाई, हे तरी देवा सरण हयो भोग कशा पाई, हरवली वाट
अंधारल्या धाई ववाळू न उधळ तो जीवा माय बापा दरी नाही धीर सांडला खेळ मांडला 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 खेळ मांडला खेळ मांडला खेळ मांडला संगीत कहाँ सीखा कैसे सीखा कौन सी गलियों में क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है क्या सादगी है क्या मासूमियत है कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी और मैं मेरा दावा है कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज से खेल मांडला 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 खेल मांडला